माय गॉड थैंक यू संजना, थैंक यू सो मच. समथिंग अबाउट आकृति. हाँ, कल के एपिसोड में हमने देखा होगा कि मेरी आकृति थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, बिकॉज आई थॉट कि जब वो चीज़ बोल रही थी ये सब कि है ना कि आप मत बोलो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, तो कहीं ना कहीं वो उसकी भी दिग्विजय के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग थी, तो मैंने वो पॉइंट आउट किया बस, और कुछ नहीं था. बाकी तुमने देखा उसने मेरे लिए भी स्टैंड लिया जब दिग्विजय बोल रहा था कि शी कुड हैव डन बेटर. तो ऐसे ही था हमारा यार, कि कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई इतना प्यार भी नहीं था, बट ठीक है, चिल था सीन. हेलो लकी बॉय बेस्टी फ्रॉम स्विट्जरलैंड, बोल दिया निकेत है. शिवित इज ऑल्सो हैंडसम. हाँ अरे ऐसे तो सारे हैंडसम है यार, तुमने एक पूछा मैंने नाम बता दिया, सब अच्छे. मैंने ये तो ना बोलो कोई हैंडसम नहीं है. बाकी सचिन के साथ बनेगा आपका कनेक्शन? सचिन के साथ वो तो आप शो देखो यार, क्या पता बन जाए. स्किन केयर रूटीन, मेरा स्किन केयर ये पिंपल आए हुए गाइज, बट श्योर आई विल शेयर कि मैं थोड़ा बहुत करती तो हूँ. आई एम बिगेस्ट फैन, मैं हमेशा हर शो में अपने को फेवरेट ढूंढती हूँ. ओके ऑफिशियल वर्णिका. अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ द बेस्ट जोड़ी ऑफ स्प्लिट्सविला? अभी मेरे लिए जो अगर शो के मैं देखूँ अगर एज अ ऑडियंस व्यू, मुझे खनक आदित्य अच्छे लगेंगे और देव और अमेहा. बॉय इग्नोरिंग मी ब्रो. नो हेलो एंजेलिक यार, एक तो तुम नाम इतने इतने बड़े लगते हो ना. शिवित कैसा लगता है आपको? बढ़िया बंदा है भाई, सही है, मस्त. हमारी अच्छी बनती है, हमारा बॉन्ड तुम्हें देखने को मिलेगा आगे, कैसा बॉन्ड है हमारा. आकृति को लगता है अकेली क्यूट है, बट आपसे ज़्यादा क्यूट नहीं है. अच्छा थैंक यू. हु बिकेम द आइडल मैच? अभी तो रशाली हर्ष है. हाय शी. हेलो आरती. हु इज़ द विन अकॉर्डिंग टू मी? मेरे जाने से क्या होता है, तुम्हें वो तो शो के एंड में देखना पड़ेगा कि कौन है. एक लड़का लड़की का पल ही जीते हैं. Why so kind? ऐसे ही है यार, क्या करूँ. यू आर सो लॉयल इन नॉट आस, आई रियली अप्रिशिएट. थैंक यू सो मच जेनिका, इफ योर नेम इज दिस. जिससे ज़्यादा हैंडसम बंदा है कोई स्पिरिचुअल में, तुम्हारा पी ओ वी ब्रो. Why are you starting making vlogs? Yes, about that. एक मिनट दीजिए, आप में बहुत अच्छे लगते हो. ओके हेश्ता, हाउ यू लुक सो गुड, हाउ आर प्लेस से. यार शो में तो मेरे को शो में इतनी टैनिंग हो गई थी ना, तुम फर्क देखना वीडीज में और उसमें, क्योंकि वीडीज बाद में होती है, उसमें हम टोटली टैन हो गए थे, तो बहुत फर्क आता है यार वीडीज में. अमेहा कैसी लगती है आपको? अमेहा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. अमेहा आप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि आप मुंबई घूम रहे हो और दिल्ली नहीं आ रहे हो. जल्दी आओ कि हम मिल सकें. हु डू यू थिंक विल बी योर आइडल मैच? प्लीज आंसर दिस अकॉर्डिंग टू बी मेरे चा. मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरा आइडल मैच कौन होना चाहिए था? तुम देखो मेरा आइडल मैच कौन है, तुम शॉक हो जाओगे जब तुम्हें पता लगेगा कि मेरा आइडल मैच कौन है. अनएक्सपेक्टेड क्यूटी, थैंक यू. व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद अनिकेत? ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. ये लो अनिकेत आ भी गया है. व्हाई डोंट यू फॉलो आकृति ऑन इंस्टाग्राम? भाई हमारी बात नहीं हुई, ठीक है. फॉलो से क्या होता है यार, आपके ओपिनियन एज वी से वी शुड नॉट टेक सोशल मीडिया सो सीरियसली. हेलो अनिकेत, से माय नेम. हेलो जस अरबाज, बढ़िया बंदा है लेकिन इज़ वेरी तमीज से बात करता है. यू आर द क्यूटेस्ट, थैंक यू सो मच. अच्छा अब मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना है, बना लो यार, बना लो. आप आ जाओ शो में, कनेक्शन बनाते हैं. ठीक है मेरी बात सुनो. अरे यार इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, मेरे को लगता है रिगडिन आपका आइडल मैच होगा. शिट, अच्छा गैस है वैसे. शो देख लो आज का, पता लगेगा किसके साथ है. अनिकेत साथ कनेक्शन बनाना है आपको शो में, उसके लिए तुम्हें क्या लगता है? मुझे अनिकेत के साथ बनाना चाहिए कनेक्शन, बट डिकीला है अभी, दोनों का भी चल रहा है, तो मैं कैसे बना लूँ? कबाब में अड्डी बनना नहीं पसंद मुझे. थैंक यू टॉक्सिक, आई एम योर फ्रेंड. वीडी टास्क के दिन ही होता है क्या? प्लीज़ बताओ. नहीं बताऊँ क्या होता है, लाइक शूट चलता है, पूरी शूटिंग हो जाती है, उसके बाद वीडीज आपका जैसे बीच बीच में ले लेते हैं, तो दे आस्क यू कि उस दिन क्या हुआ था, तो आप उस हिसाब से बताओ. तो वैसे वीडीज होता है, तो अब तुम इससे भी जज कर सकते हो लोगों को, कि लोगों को पता हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है, फिर भी वो वीडीज में जाके इतनी इतनी बातें बोल के आते हैं, तो दैट शोज कि उनके मन में क्या क्या चलता है.
जिस वजह से बहुत शौक लगता है शो को देखने में कि लोग मुंह पे अच्छे बनते हैं पर वीडियोस में इतना कुछ बोल के आते हैं कि आप बोलते हो कि क्या क्यों बोलना है इतना एक्स्ट्रा किसी के लिए. एंड अबाउट यस्टरडेज एपिसोड ऑल्सो कि जैसे आपने देखा कि आई वॉज लॉयल टू माई गैंग और मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने कोई अपने फर्ट्स नहीं लगाया जानबूझ के हारी ऐसा कुछ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी था अपने आप को सेव करने का बट मैंने नहीं चूज़ किया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था इतना अपनी टीम में कि हम जीतेंगे. एंड देन ब्लेमिंग इट ऑन मी कि मेरी वजह से हारे आई डिड नॉट लाइक दैट और मैंने तभी बोला भी क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखो तो तीन डोर्स में से जिस डोर को मैं रोक रही थी वो डोर हमारा था भी नहीं. सेकेंड और थर्ड ही हमारा डोर था तो वो लोग भी अगर ब्लेम डालने की बारी है तो मैं भी डाल सकती थी यार कि तुम लोग जल्दी ताला खोल देते. किस्मत की बात है यार ये सब बट ब्लेमिंग इट ऑन अदर्स लाइक ठीक है नॉट माय स्टाइल. आखिरी मुझे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं पसंद बिकॉज दल बदलू है वो सबको लाइन मार के पलट जाती है यार. तुम लोगों का ओपिनियन है. हाँ काफ़ी लोगों को वो नहीं पसंद आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक यू नो बहुत ज़्यादा बोल रही है या लोगों को कमेंट कर रही है पोस्ट में ऐसा कुछ वीडियोज में विच आई थिंक इज नॉट गुड एज वेल बट ठीक है यार वो उसको लगता है उसको अपनी पर्सनैलिटी ऐसे दिखानी है या शी इज़ फ्री टू से एनीथिंग तो ठीक है. आपको किसी ने ब्लेम नहीं किया वो बस ओपिनियन था. इट वॉज लाइक कहीं ना कहीं लाइक मेरे पे चीखना आई डोंट नो लाइक एकदम से हुआ है. आप इस चीज़ को ऐसे भी हैंडल कर सकते हो कि ठीक है बाद में समझाना ये वो एकदम से गुस्सा उसी टाइम निकाल देना बट चलो ठीक है सबका अपना अपना वे होता है डील करने का तुम्हारे साथ खेलेंगे ओके. और एक और गाइस मैंने सोचा है कि मैं तुम लोगों के लिए कि यूट्यूब वीडियो बनाऊँ जिसमें मतलब मैं स्टोरी डाल दूंगी उसमें तुम मुझसे जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे रिलेटेड पहली वीडियो आई एम थिंकिंग कि तुम मुझे अच्छे से जान पाओ कि तुम्हें जो मेरे जो भी क्वेश्चन है मेरे रिलेटेड तुम उनसे पूछ लो सो आई कैन आंसर इट इन अ वीडियो ताकि तुम्हें भी कुछ पता लगे मेरे बारे में और जो भी कुछ डाउट्स एंड क्लियर वो क्लियर हो जाए क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं क्योंकि टी शो में कुछ कट लगता है तो तुम कुछ और समझ लेते हो तो आई थिंक वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो आई पुट अप द स्टोरी तुम वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लो एंड आई सेलेक्ट बेस्ट ऑफ जो भी होंगे और उनका मैं आंसर कर दूंगी. ठीक है क्या कह रहे हो सबके बीच में बोलती है जशवंत का मिल गया सोच रही है जन्नत मिल गया उसको. हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार मतलब अननेसेसरी भी उसका घुसना कभी कभी मुझे लगता है क्योंकि उस दिन भी जाए क्योंकि उनसे नायरा जा रही थी तो तू झूठी है तो उसने भी बीच में बोला कि तू झूठी लाइक ठीक है यार तुम्हारी लड़ाई होगी ख़त्म करो बट आई गेस शी वॉज देयर टू स्पीक अप कि मतलब अपना उसको लगता है कि उसको था कि मैं हर जगह ओपिनियन दूँ शायद इसलिए वो बहुत ज़्यादा लग रहा है अब बट ठीक है. हेलो बिगेस्ट फैन थैंक यू आई डोंट वांट टू बी इन एन आइडल मैच. तुम्हारे चाहने से क्या होता है जैसे उर्फी बोलती है तुम्हारे चाहने से क्या होता है. आई डोंट अग्री विद ओके यू आर वेरी रियल थैंक यू सो मच. क्या इस बार के विनर डिजर्विंग है आपके ओपिनियन के हिसाब से. कपल वाइज यस एंड टास्क वाइज भी ठीक 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 है. प्लीज से माई नेम अगेन यू डोंट लाइक हर किस कौन नहीं पसंद करता. हेलो हिबांशु गाइज आपने मांशु को देखा प्लेग्राउंड में कितना सही खेला लड़का. यू लुक सो क्यूट विद मी ओके प्लीज प्लीज टेक माई नेम. हेलो अंशिका आई थिंक अनिकेत रियल फ्रेंड बन गया आपका इतने कुछ कम टाइम में वो आपका कितना प्रेज करता है. यस इट इज क्योंकि पहली बारी में शायद मेरी और उसी की वाइब मैच हुई और फिर जैसे मैंने बोला वो बात नहीं करता किसी से तो इसीलिए हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. पीपल से आकृति कहते लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम नॉट एक. मैं भी यही बोलूंगी कि जो बंदा ज्यादा बोलेगा तो वो ज्यादा दिखेगा भाई. अगर हम बोल रहे हैं ना स्क्रीन टाइम नहीं है पर हमने भी नहीं बोले तो अब इसलिए नहीं दिख रहे हैं. दो वीडियो सबने दी होगी बट प्रोडक्शन भी वही देख के लगता है ना कि क्या लाइन मस्त लगेगी बोलते हुए क्या तो उसने ऐसी लाइनें मारी हैं तो टीवी लगा देते हैं. दी प्लीज हाई कह दो और आपकी जोगी सचिन के साथ अच्छी लगेगी. सही में नंदिता थैंक यू. आपको लगता है जाओ सचिन को बोलो ये कि आप रिश्ता के साथ बहुत अच्छे लगोगे. हाय शनाया हेलो हाय प्रिया हेलो रिश्ता कैन यू प्लीज से मैंने समृद्धि हेलो समृद्धि ऐड कर ओके हाँ रुक 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 ओके बिल टुडे एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होना तो चाहिए है इंटरेस्टिंग है जब मिस्ट्री बॉक्स खोलेगा तो हेलो यो अरे आते ही टिन वाह वाह आते ही घूमना क्या कह रही है मैं कहा आते ही घूमना चालू कर दिया है.
भाई मैं तो इतने सालों बाद आया हूँ भाई, मेरा तो बनता है। और देख मैंने टिंटिन देखा ना तो मुझे लग गया था कि भाई मेरी बात हेलो शॉक मुझे ना लग गया था टिंटिन है, मैंने बस कॉपी कॉपी पक्का था। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही श्वेता। हाँ आ रही आ रही है, बोल। तुम्हारा नेटवर्क खराब है ना, ठीक से करो तुम। यार स्पीक, मैं कह रही हूँ कि तू अभी इंजॉय कर फिर मिलती हूँ ना। क्या बोल रही है? सी सर टू एंजॉय कर। चलो सी यू, जल्दी मिलते हैं। युवराज देख कैसे हंस रहा है भाई, इट्स फ्रेंड्स यार, क्या हो गया, दो दोस्त मिल नहीं सकते। आएगा युवराज लाइव पे? ओ आज तो युवराज की एंट्री है, सॉरी युवराज आजा लाइव। रुका है लाडियो, पर पक्का कहीं ना कहीं ऐसे ही बैठा होगा। रुके युवराज बसी, आई डोंट नो इफ ही विल जॉइन और नॉट, क्योंकि इसके बहुत नखरे होते हैं। व्हाट इज द लिमिट इन हिमांशु एंड शॉब्स? दे आर गुड फ्रेंड्स आई गेस, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी उनसे पूछो भाई आपके साथ कौन है गर्लफ्रेंड के। अच्छा बाकी ब्रो, व्हेन वाज शूटिंग एंड? शूटिंग हो गई थी। अरे यार तू नहा ना, नहा एक ही फर्क है, फर्क क्या है, तू नहा भी लेगा तो। युवराज समझ के बात कर लो, जय जगन्नाथ। कनिष तू फोन मत उठाइयो मेरा, ठीक है, बकवास मरवा लो जितनी मर्जी इस बंदे से। हिमांशु ब्रो व्हाट अबाउट प्लेग्राउंड? हिमांशु तो गया प्लेग्राउंड, तुमने देखा ही होगा, ही डिड नॉट विन बट ही प्लेड वेरी वेल। कैसे थैंक, मैं बहुत अच्छी हूँ आप बताओ। कैसे सिद्धांत? मैं बहुत अच्छी हूँ आप बताओ। रूरू ने थप्पड़ मारा क्या युवराज के? ये तो तुम्हें आज शो देखना पड़ेगा। तुम देखो कैसे डर गया था युवराज, तो भाग रहा था इधर उधर, बहुत एक्साइटेड था वो ना शोभिका से मिलने के लिए, उसको सरप्राइज मिला रूरू। तब देखो रूरू कैसे बजाती है। हाय फ्रॉम बांग्लादेश, हेलो हेलो, हैव यू वॉच्ड स्प्लिट्स विला बिफोर? हाँ यार मैं तो स्टार्टिंग से ही, तो बचपन से ही देखती आ रही हूँ स्प्लिट्स विला, दैट्स सच अ ग्रेट पर्सन। थैंक यू अनुषा, व्हाट इज योर शूट रूटीन प्लीज बताओ, वेरी एक्साइटेड। शूट रूटीन? अच्छा हाँ यार आती, हम ऐसे सोते कि प्लीज सोने दो, चार चार पांच पांच बजे तक डोम चलता था, जो तुम डोम देखते हो ना वो आधे घंटे में, वो चार चार सुबह के चार चार पांच पांच बजे तक चलता था। हम तीन तीन चार चार घंटे ऐसे खड़े ही रहते थे वो प्लेटफॉर्म में, क्योंकि सेव तो होते नहीं थे टास्क, तो हाँ जीतते नहीं थे तो वहां खड़े रहते थे, तो वो बहुत लंबा चलता था यार, बहुत कटकट आके तुम्हें आधा दिखता है, बट ठीक है बढ़िया रहता है। एंड फिर आते ही हम सो जाते थे, रियलिटी भी होती थी, सो जाते थे एंड फिर सुबह थोड़ी 9-8-9 बजे के करीब उठा देते थे यार, मतलब अगर ज्यादा लोग डोम लेट चला है तो थोड़ा ज्यादा सोने को मिल जाता, दिन में उठा देते थे, बट काफी स्केड्यूल ऊपर नीचे था। युवराज भाई सेम पिज, मैं भी लड़की को अपने आगे ज्यादा बोलता हूँ। हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट सेलेक्टेड फॉर? बहुत अच्छा लगा यार, आई वॉज लाइक सरप्राइज, मतलब मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई, क्योंकि I was doing a job before and एकदम से वो है ना, I gave audition and I got selected, so I felt very happy about it. मेरा भी reply कर दो प्रियांशी, hello hello प्रियांशी, दीदी हंसी आ रही थी आपको ट्रांसफॉर्म करते देख के, मुझे तो दिग्विजय पे तरस आ गया जब उसने शोभिका को चूज किया था, शोभिका स्टार्टिंग से हक। ऐसे मत बोलो यार, एक टास्क बंदा हार गया तो उस पर जज मत करो। And I think we performed really pretty well यार, वो बस मेरे को लगता है यार ताले के टाइम ना इट्स ऑल अबाउट किस्मत, क्या पता दिग्विजय का ताला जल्दी खुल जाता, क्या पता शॉप्स का ताला खुल जाता, मतलब रोक ट्राई किया यार हमने, बट ताला यार थोड़ा किस्मत का ही होता है, अब क्या कर सकते हैं, बाकी हमने एफर्ट्स तो सारे लगाए थे। व्हाट जॉब? आई वाज इन अ प्राइवेट सेक्टर। योर ओपिनियन ऑन दिग्विजय भाई? मेरा क्या ओपिनियन है, देख लो शो में, मैं तो देखो अच्छा अच्छा ही बोलती हूँ उस इंसान के बारे में, तुमने देख ही लिया होगा। ब्रो इतने मैसेज मत करो, मेरा मैसेज ऊपर चला जाता है। ओके उदय शर्मा, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज।
ओके हंसिका हेलो, लेकिन मुझे भी लगा था आपने यस किया होगा, है ना? तुम क्यों ऐसा लगा तुम लोगों को मुझे यस किया होगा? आपको और दिग्विजय सर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, उसे नहीं लगती शायद, बट हु इज योर फेवरेट पर्सन इन स्पिट्सविला? मीहा, कैन वी, यू सच अ स्वीट गर्ल, थैंक यू जन्नत, कैन वी गेट अ चांस टू सी योर ऑडिशन वीडियो? यार मैंने बना के नहीं भेजी थी, मेरा वहीं पे ही उन्होंने शूट किया था, तो उनके पास है, मेरे पास नहीं है। एंड ऑल्सो दूसरा ऑडिशन, लाइक दूसरी मीटिंग मुंबई जाके होती है, तो दे डोंट रिकॉर्ड दैट। और बाकी जिस ऑडिशन की, जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे, तो वो लोगों ने एजेंसी से की होती है, तो इसलिए उनकी डली होती है। यस से माय नेम मलम, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड, यू आर द स्वीटेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा 11 क्वेश्चंस भी हैं यार। हिमांशु आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? ये वो तो देखो, हिमांशु से पूछ लो क्या है। यू आर विनिंग फॉर मी, थैंक यू, आई एम अ बिग फैन, यू आर ओनली रियल पर्सन स्पेशल, थैंक यू रेश शर्मा, आपका फ्रेंड मैंने बता दिया। यू आर गोरी, यू आर प्रिटी, थैंक यू डेविल माइंड। किसी के साथ कनेक्शन बनाए इश्ता, प्लीज प्ले वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मतनाली, मेरा कनेक्शन नहीं बना या नहीं बना वो तो तुम्हें शो में दिख जाएगा, बट हाँ बना था, बना है, बनेगा, देखो बस, देखो शो देखना। आज कितने मंथ पहले शो रिकॉर्ड हुआ था? हम गए थे फेब में, चले गए थे मार्च, एक महीना, एक पूरा महीना। यू आर ओनली गर्ल आई फॉलो फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड इन बॉयज आर लाइक लक्ष्य। ओ थैंक यू जेनिस, थैंक यू सो मच। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर स्प्लिट दीदी? यार चल रही है मेहनत, तुम्हारे लिए रील्स डालती बनाती हूँ, कर रही हूँ कॉन्टेंट क्रिएट। अब यूट्यूब भी शुरू करूंगी तुम लोगों के लिए, एंड आई जस्ट पुट अप द स्टोरी, फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चंस जो पूछने हैं सब क्लियरिटी से जवाब मिल जाएंगे। मेरे बारे में पहले पूछना जो तुम्हें जानना चाहते हो मेरे बारे में, एंड आई सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड आई आंसर इट इन अ वीडियो। इश्ता यू इग्नोर मी, नो चीयरिंग, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन। लक्ष्य, लक्ष्य इज द स्वीटेस्ट, बहुत सही है। लक्ष्य वाज आल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब पहले अधिकेत से बात हुई थी, फिर शो में अगर मेरा अच्छा दोस्त, मतलब अम्मी यहाँ तो है ही, बट लाइक जिस अगर बात मैंने किसी की तो लक्ष्य से। रूम सर्विस और बफे, क्या बकवास मारता रहता है गणेश लोग। हाउ डू यू, इग्नोर मत करो बहन शम, या तुम लोगों के नाम ऐसे मैं नहीं कर रही इग्नोर किसी को। हेलो ध्वनि, थैंक यू रिन क्रॉड्स बिगेस्ट फैन, दीदी मैं आपके बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके सोनल सोना, थैंक यू यार। फैन मैन मत बोलो इतना, मुझे लग रहा है कोई फैन जैसा वाला है। वी आर जस्ट फैमिली, प्यार देते रहो यार, सपोर्ट करते रहो। आई लव योर वॉइस, थैंक यू जन्नत। ईटिंग रूटीन इन स्प्रिट्स विला, हाँ खाना यार हमारा बफे लगता था, खाओ दो, इतना अच्छा नहीं होता था बट ठीक है। अरे लक्ष्य इज हियर, हेलो लक्ष्य, रीड माय नेम। क्यों भाई, क्यों भाई? ये आपका नाम है। फेवरेट पर्सन इन स्प्रिट्स विला 13, 13 वाले सीजन में कौन था? मुझे नंबर से याद नहीं है यार। क्यूटेस्ट गर्ल, थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू। बट आपका कनेक्शन तो शायद अभी किसी और के साथ चल रहा है, फिर ऐसे कैसे होगा लक्ष्य यार? फिर हम कैसे कनेक्ट करेंगे स्प्लिट्स विला में? अभी आप इतने लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हो। इश्ता आर यू फ्रॉम उत्तराखंड? यस इट्स इंट्रोवर्ट टाइम, यस, यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट, थैंक यू इन कोड। एंड लक्ष्य, लक्ष्य आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, भेज देती हूँ रिक्वेस्ट, लक्ष्य आएगा? अरे पहले नाम पे लक्ष्य है। हाउ, वाओ थैंक यू सो मच। ऐसे ही डिक्लाइन करता रहा तू लोगों को, ठीक है? हाउ हैव यू कट योर शॉर्ट, हैव यू कट? नो कहाँ, ये देखो ये रे लंबे बाल, मम्मी नहीं काटने कटवाने देती यार बाल। बिग फैन मैम, थैंक यू केविन कैट वाला। ओ केविन कैट वाला इन दैट सीजन आई वुड से कैट, कैट अच्छी लगती है मुझे, केविन भी, और हाँ हाँ निखिल पलक भी। हैव यू कट योर हेयर शॉर्ट? नहीं नहीं करे यार, नहीं काटे। भाई के ग्रुप में भी ब्रो दो गर्ल थी और श्रेयस भी अकेला था। लक्ष्य पर नहीं आ रहा लक्ष्य यार, मैं क्या करूं? अनिकेत के बारे में बोल तो दिया, इतना अच्छा दोस्त है मेरा यार। ओके प्लीज से बना है, मैंने इतनी बार बोल दिया। रिन क्रॉड्स आपका फेवरेट चॉकलेट, फेवरेट चॉकलेट,
डेरी मिल्क सिल्क बबली बल्कि हाँ बबली यू कैन से। लीज फेवरेट फ्रॉम कैट केवन वाले सीजन में यार लीज फेवरेट नहीं है ठीक है। इश्तियाक चैनल नेम आई विल पुट द लिंक इन माई यू नो बायो ऑल्सो और स्टोरी भी डाल दूंगी। मैंने अभी मतलब अभी तो क्या वो चैनल बना हुआ है मैंने कुछ डाला नहीं है उसमें तो कुछ भी नहीं है उसमें अपडेट। बट या सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जल्दी से वीडियो डाल दूँ तुम लोगों के लिए एंड फिर हम एक दूसरे को जान पाए। और ऑल्सो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल नहीं बन रहा है गाइज तो कुछ किसी को पता है कैसे बनेगा प्लीज मैसेज कर दो यार ताकि मैं उसको बना सकूँ और तुम्हें डेली अपडेट्स भी देती रहूँ। हाउ मच प्लीज कंटेस्टेंट गेट पेड। इतना पैसा कि बंदा छोड़ दे कमाना कुछ नहीं मिलता है। नोबडी गेट्स पेड। आर यू फ्रेंड्स विद दिग्विजय? नो वी आर नॉट फ्रेंड्स। आई फाइंड यू द क्यूटेस्ट इन विला द वे यू कैरी योर सेल्फ योर हेयर योर ड्रेसिंग द लव द ब्लैक जैकेट वी वोर। थैंक यू इनसेबल थैंक यू सो मच। आपके हिसाब से इस सीजन का खूबसूरत लड़की कौन है इशिता बताना। तुम्हें मैं कैसी लगती? सारी लड़कियां सुंदर है यार। तुम लोग जो जो वो भी डालते हो ना कि कौन क्यूट है कौन है सब सुंदर है यार। लड़कियां सुंदर ही होती है। मेक 100 के थैंक यू प्लीज यार बना कर दो यार कर दो। डू यू नो ओके आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होगा? ये बातचीत कर रही हम फ्रेंड्स हैं यार। हम ऐसा कोई फॉर्म नहीं है उदय। यू आर माई फ्रेंड यू एंड के दैट जेन्युइन रियल इन द सीजन बाकी सब ड्रामेबाज हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाउ डू यू नो शुभमन की यार मैं नहीं जानती। बस करो बस कर दो अब बस कर दो उस कॉन्ट्रोवर्सी को। वीक में कितनी बार शूट होता है? डेली होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जैसे तुम्हारा वीकेंड चल रहा है तो तुम्हें आता। हमारा मंथ डेली कॉन्टिन्यूस शूट होता था फॉर अ मंथ तो तुम्हें शायद वो एपिसोड मिले तभी वो 3 महीने तक चलता है 3 4 महीने तक चलता है स्पिट्स। डूड हाउ डू डील विद योर बॉडी एक्ने? ओ गॉड तुमने देखा होगा कल के एपिसोड में शायद मेरा बॉडी एक्ने दिखा होगा। मुझे वहां पे जाके ना एलर्जी कह सकते हैं या मैंने शायद बैक वैक्स कराई थी तो उस वजह से मेरे काफी बॉडी एक्ने हो गया था एंड धूप में वो बहुत ज्यादा हो गया था तो तुम्हें दिखा होगा। तो उसके लिए उन्होंने ही वहां पे डॉक्टर्स ने मुझे एक मेडिकेशन दी थी तो मैं वही लगा रही हूँ। तो अभी थोड़ा ठीक है बट मार्क्स हैं अभी भी यार। ड्यूड हाउ डू यू आर यू फ्रेंड्स विद दिव्यांश एंड निमानी? यस इतने क्यूट। ओ जब तुमने क्यूट कपल पूछा वो भी है यार वो तो जेन्युइन है क्यूटेस्ट है वो दोनों। आर दिग्विजय एंड उन्नीति डेटिंग? गाइस उनसे पूछो मुझे क्या पता। एड मी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद लुकिंग ओके हाँ शाह जनक हु इज द विनर ऑफ स्पिट्स विला? इशिता वाई यू सो क्यूट थैंक यू उदय लव यू फ्रॉम आंध्र प्रदेश थैंक यू अनुषा दीदी आप बहुत क्यूट हो थैंक यू पा यू लुक सो क्यूट एंड ब्लैक। आर यू इग्नोरिंग मी? नो मोरियम आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन बट लिंक दे दीजिए बट दे ड्रेस मैंने क्या पहने। ओ हाँ श्योर यार वो लिंक क्या है जारा की थी एंड आई डोंट थिंक अब वो अवेलेबल होगी क्योंकि वो ली रखी थी मैंने पहले। आप मेरे भी फ्रेंड बन जाओ ठीक है। सोना सोना यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल एंड आई रियली लाइक अबाउट यू। थैंक यू जन्नत की खुशी आप नेपाल से बहुत क्यूट हो। मैं नेपाल से हूँ थैंक यू सो मच। दीपक का 16 पर आउट करवा दिया था शुमन कुछ भी। थैंक यू सो मच सूजा थैंक यू टेक केयर थैंक यू सो मच। बाकी गाइज मैंने क्या है व्हाट आर योर व्यूज ऑन जशन आकृति? अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। बाकी यार मुझे जश का थोड़ा अजीब लग रहा है अब कि लाइक ना हम बात करते थे तब उतना ऐसा कुछ नहीं बोलता था वो बट वीडियोस में उसके भी काफी ओपिनियंस है लोगों के लिए। पर ठीक है यार मुझे लगता है सब बोलने आए थे उन्होंने सोचा कि वीडियोस में बोलते हैं। वीडियोस में सबको शौक लगता है कि ये जो अभी सब बोल रहे थे ना कि हम तभी तुम देखना कि शो के बाद कितने लोगों की सॉर्ट आउट हो गई थी चीजें बट अब फिर क्यों लड़ाई होगी क्योंकि वीडियोस में सुनने को मिलता है। मेरा भी वही सीन था यार मुझे ऐसा लगा कि ठीक है नहीं बोला गया जो जैसे दिग्विजय ने दो तीन बातें बोली आई डिड नॉट लाइक इट तो आई थॉट कि ऐसा नहीं बोलेगा बट वीडियोस में जाके वो कुछ और ही बोलता है तो वो भी बाद में ऐसी चीजें हर्ट करती है कि यार आप इतना भी क्या क्योंकि वीडियोस भी बाद में रिकॉर्ड होती हैं तो आप तब भी ऐसा सोचते हो या ऐसा बोल के आते हो तो वो ज्यादा लगता है। बट ठीक है यार सबके अपने ओपिनियन है जिसको जैसे बोलना है बोलो। आर यू चंडीगढ़ राइट नाउ? यस आई स्टे इन चंडीगढ़। कान डू पिक प्रॉमिस बट आपकी बेटी रेडी रही। ओह माय गॉड अच्छा थैंक यू।
ओहो ये क्या हो गया? व्हाट अबाउट डिकीला? डिकीला इज क्यूटी यार, बहुत हेल्पफुल है. बस यही है कि उसको गुस्सा दिलाया तो समझ लो दूसरे वाले की. आपका है कितना अच्छा लगता है मेरे को. थैंक यू कुमकुम शेत्री. किसी ने पूछा भी था है कि रूटीन शेयर करना. ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद यू गाइस. खास ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल मेंटेन कैसे करना है. तब भी आप कितने दिन से, हाँ कितना दिन से हो दीदी के साथ? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, वो भी यही रहता है. तो ठीक है दीदी, मैं चार बंदा है, बात करो शॉर्ट आउट हो जाएगा सब. आई गेस इट्स बेटर वी डोंट टॉक, दोनों के लिए अच्छा है. ठीक है शॉर्ट आउट पहले भी थी, पहली चीज कौन सा हमारी खराब थी, बट ठीक है. शो के बाद आई न्यू इन द शो इट विल इधर मेक अस और ब्रेक अस, एंड आई थिंक दूसरा ऑप्शन ज्यादा हुआ. डिगिर और निकेत का पैचअप हो गया है क्या यार? उनका तो पैचअप ब्रेकअप अभी मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट शो में देखो यार अभी तक तो मिले हैं वो. अभी शो के हिसाब से पूछो अभी मिले हैं वो, दोनों एक दूसरे प्यार करते हैं. देखो तुम, मजा आएगा तुम्हें उनकी स्टोरी देख के भी. वॉन्ट टू सी योर आइडल मैच, इवन आई वॉन्ट टू सी माई आइडल मैच. सून एपिसोड में दिखेगा आपको कौन है मेरा आइडल मैच. तुम अभी सिंगल हो? अभी तो यार मैं सिंगल ही दिस स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हिम. डू यू स्टिल टेक माई नेम बिफैन? हेलो संदीप, कैन आई डेट यू? पीयूष रावत, डू यू नो माई ब्रदर्स नेम इज पीयूष रावत? सेवा लाइन, ओके धवन, रोडीज, क्या किसको बोली जा रहा तू? कनिश, यू आर सो क्यूट, थैंक यू प्राची, दैट आई डू टू कैरी, उफ लव इट, थैंक यू. आर यू रेडी टू बी रिलेशनशिप? जीजू ढूंढ दो मेरे लिए. विल दे रिवील एवरीवन द आइडल मैच इन द एंड? है ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, बट ऐसा करना चाहिए था ना. किसी का आइडल मैच नहीं बना तो पता लगता कि तू मेरा आइडल मैच था, तू मेरा. नहीं ऐसा नहीं होता यार, यू हैव टू फाइंड योर आइडल मैच. शो इज अबाउट दैट ओनली. ये फाइनल कब होगा स्पिरिचुअल का? अभी तो शुरू हुआ है यार, देखना तो शुरू करो. खत्म करने पे लोगे तो इतने बोर हो गए हो क्या? बढ़िया कपड़ा आपका, अच्छी लग रही हो कपड़ा आपका, थैंक यू वीब. और क्या है, रिस्पेक्ट टू योर टेकिंग स्टैंड फॉर सचिन. थैंक यू शाज, क्योंकि हाँ उस टाइम मैंने आकृति को पॉइंट इसलिए किया कि आई वॉज लाइक कि उस पर जो पॉइंट तुम उठा रहे हो तो तुम भी कहीं ना कहीं वो चीज कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला. बाकी मुझे उनकी लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी का स्टैंड कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि दो बंदों के रिलेशनशिप में बीच में तीसरा बोलने वाला कोई नहीं होता है गैस, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट एज वेल. तो ठीक है यार, लोगों का पास्ट होता है, दे नो हाउ दे टॉक टू ईच अदर, तो किसी तीसरे का बीच में बोलना है ना, किसी का तुक बनता है उस टाइम पे बोलना. ओके लव फ्रॉम हिमाचल, थैंक यू, यू आर सो ब्यूटिफुल, थैंक यू दीता. इट्स अ प्लेजर फॉर एंटरिंग द शो गाइज. ऑडिशंस होते हैं, जिस दिन ऑडिशन शुरू होंगे आई विल पुट अप अ स्टोरी, कहीं ना कहीं से तुम्हें पता लग जाएगा. ऑडिशन दो अपना, कॉन्फिडेंटली अपने आप को पोर्ट्रे करो, जो आप हो जस्ट बी रियल. कुछ स्पेशल टैलेंट्स है तो उनको अच्छा लगेगा तो दे सेलेक्ट यू यार. आई वॉच योर गेम यस्टरडे एंड रियली लाइक डिड यू प्ले गुड गेम. थैंक यू सूजा, थैंक यू सो मच. आई स्वेयर यू आर द मोस्ट मोस्ट स्वीटेस्ट एंड ब्यूटीफुल इन द विला, एंड आई डोंट लाइक आकृति, एंड फ्रॉम स्टार्टिंग आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू बिकॉज यू आर फ्रॉम उत्तराखंड. ओ थैंक यू जेनिस, थैंक यू सो मच. ठीक है यार, किसी की तारीफ करो, बुराई भी क्यों करनी है किसी की, छोड़ो. नहीं पसंद रिबेट कनेक्शन के साथ आपका यार, बता दूंगी तो क्या मजा आएगा तुम्हें. व्हेन डिड द फिल्मिंग हैपन? फेब मार्च, आई टोल्ड यू. डोंट इग्नोर प्लीज ग्रांथा, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी बडी. निशा थैंक यू आसाम से प्यार दूंगी, थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर टैलेंट? मेरा टैलेंट आप प्लीज आप मुझे आप मत पूछो कनिष्क, मेरा टैलेंट क्या है. आपको मेरा टैलेंट शो में आगे दिख जाएगा, एंटरटेनमेंट चैलेंज में एक टैलेंटेड पर्सन के साथ. इस बार का सीजन देख के लग रहा है मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स एंड स्पिट्स आर फेक, दे आर जस्ट डूइंग फॉर अटेंशन. शो खत्म होने दो गाइस, अपने आप सच्चाई बाहर आ जाएगी, किसका बॉन्ड रियल है किसका बॉन्ड फेक है. यू आर स्वीट लाइक हनी, थैंक यू जेंटलमैन. नेम माई आईडी नेम अधिता, हेलो अधिता. चलो गाइस शो शुरू होने वाला है, मैं बस इसलिए आई थी कि तुम लोगों से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे तक कनेक्ट बैठ नहीं रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी. फिर से बोल रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन होंगे अपने तुम पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन क्वेश्चन जितना हो पाएगा, एंड आई विल सेलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन जिससे तुम्हें भी इंफॉर्मेशन मिले कि जितना
क्या जानना चाहते हो, एंड आई मेक अ यूट्यूब वीडियो फॉर दैट, ताकि हम कनेक्ट कर पाए. और ब्रॉडकास्ट चैनल प्लीज किसी हेल्प करो यार, किसी को पता है ब्रॉडकास्ट चैनल कैसे बनेगा तो मुझे भेज दो, क्योंकि मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी. अब मैं जा रही हूँ, शो शुरू होने वाला है. तुम आज का एपिसोड देखो, एक्साइटेड रहो, देखो मिस्ट्रिफ बॉक्स में क्या मिस्ट्रिफ निकलता है, और आज कौन जाता है घर, या कोई जा भी रहा है नहीं जा रहा, उसके लिए तुम देखो, मजा आने वाला है. ठीक है, सो बाय गाइज, थैंक यू सो मच. और थैंक यू सो मच जो भी एडिट्स बनाते हैं या टैग करते हैं. और कल एक अच्छी सी रील भी बनाई थी कि लॉयल्टी वाली पे, आई रियली लाइक इट. तो जैसे भी सपोर्ट करते हो और मैसेज करते हो स्पेशल की रिश्ता, या आपने आज का एपिसोड ये था ऐसे था, वी रियली लाइक डू, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़ के. ऐसे ही प्यार दिखाते रहो और सपोर्ट करते रहो. बाकी बाय.